दोस्तों आज के टाइम पर 1 रुपए के इस सिक्के की वैल्यू हजारों में है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ ये 5-10 साल के अंदर ये सिक्का लाखों में भी पहुंचेगा। और शायद एक दिन ऐसा भी आएगा कि सिक्का मिलेगा भी नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा इस सिक्के को आज भी अपने कलेक्शन में शामिल करने के लिए। अच्छे अच्छे कलेक्टर इस सिक्के को ढूंढ रहे हैं लेकिन मिलता नहीं है। आखिर ऐसा कौन सा सिक्का है जिसकी वजह से इतना रेयर, मतलब कुछ कलेक्टर लोग इतना ढूंढ रहे हैं इस सिक्के को कि मिल ही नहीं रहे। तो चलो आज के इस वीडियो में इस सिक्के का एक सही खुलासा करते हैं, आखिर ये कौन सा सिक्का है, कितनी वैल्यू देगा और कैसे आप इस सिक्के को पहचान सकते हैं। तो ये 6 ग्राम वजन के साथ में जारी किया गया कॉपर निकल का 26 mm का सिक्का है और इसकी थिकनेस है 1.5 mm। देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह से सिक्का देखने को मिलेगा आपको। अगर बात करें इस सिक्के की तो ये भारत के चारों मिंटों से जारी किया गया था, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि ये सभी मिंटों से सिक्का रेयर नहीं है, जिसकी वजह से हर कोई इस सिक्के को ढूंढ रहा है, फोटो सेंड कर रहा है, लेकिन वो सिक्का नहीं मिल रहा है जो सिक्का रेयर है। आखिर वो कौन सा सिक्का है, कैसे पहचानेंगे, क्या पहचान है उस सिक्के की, ये सभी बातें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें और समझें क्या बताया जाता है वीडियो में, वो समझें। उसके बाद में ही आप कमेंट करें या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे आपके पास ऐसा सिक्का पड़ा है तो सेंड करें, उसकी फोटो सेंड करें, वीडियो बना के सेंड करें, हो सके तो दोनों साइड की अच्छे से फोटो सेंड करें। और उसके बाद में उसकी कीमत की बात करें, जो लोग बेचने के उतावले होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि आखिर ये बिकेगा नहीं बिकेगा, रेयर है या नहीं है, कॉमन सिक्का कभी भी सेल नहीं होता है। तो चलो वो तो बाद की बात होगी, बेचने की नहीं बेचने की वो तो आप पे डिपेंड करेगा, आप उसको बेचना चाहते हैं या अपने पास रखना चाहते हैं। और अगर मेरे पास तो ये सिक्का होता तो मैं इसको तो रखना ही चाहता, लेकिन मेरे पास तो ये सिक्का अवेलेबल ही नहीं है, मैं तो आपको ओनली दिखा रहा हूं। आप लोग के पास ऐसा सिक्का होता है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट जरूर करें। तो सबसे पहले हम लोग इस सिक्के को जान लेते हैं, आखिर ये कौन सा सिक्का है और इतना रेयर क्यों है। इसकी कई वजह देखने को मिलेगी लेकिन वो सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे या फिर किसी बुक के रेफरेंस से आप लोग समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आपको ढूंढना क्या है। तो अगर आप लोगों के पास में 1 रुपए के ऐसे सिक्के पड़े हुए हैं 6 ग्राम वाले कॉपर निकल के, तो आपको देखना है 1983 का 1 रुपए का सिक्का जिसमें आपको एक स्टार शेप मिंट मार्क देखना है। अगर आपके सिक्के में एक स्टार शेप मिंट मार्क बना हुआ होता है 1983 के नीचे, तो वो एक बहुत ही रेयर, एक्सट्रीमली रेयर कॉइन माना जाएगा। और अगर वैल्यू की बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही बताई थी ये सिक्का अपने आप में बहुत ही रेयर सिक्का है, मतलब 75,000 रुपये की वैल्यू में ये सिक्का बुक में दिया गया है। बुक का जो एक एस्टिमेट है वो एक एस्टिमेट बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होती है, जो बुक में कीमत दी जाती है उसको आप फिक्स कभी नहीं मान के चलें, उससे भी ऊपर हो सकती है, उससे थोड़ी नीचे भी हो सकती है। लेकिन इस सिक्के की बात की जाए तो नीचे का सवाल भी पैदा नहीं होता, ये और ऊपर ही जाएगा, मतलब 75 मैंने बताई है या बुक में 75 दी गई है, तो हो सकता है ये आपका 80 में भी बिक जाए, 90 में भी बिक जाए, क्योंकि ऐसे सिक्के मिलते ही नहीं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो आप लोगों को एक बार जब भी 1 रुपए का ऐसा सिक्का हाथ में आए तो 1983 के नीचे स्टार शेप मिंट मार्क जरूर देखना है, मतलब आपको सिक्के का ईयर अच्छे से चेक कर लेना है, ईयर के नीचे बना हुआ मिंट मार्क। अगर 1983 का स्टार मिंट मार्क का सिक्का है तो आप हमारे इंस्टाग्राम नंदू चार्ट RJ23 पर इसकी फोटो सेंड जरूर करें। और इसके साथ में ही आप नीचे कॉमेंट करके भी बता सकते हैं कि हमारे पास ये वाला सिक्का है, किसी कलेक्टर को जरूरत होती है वो वहां से कमेंट पढ़ते हैं और वो लोग वहां से कांटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा, वो ये है कि इसमें जो डायमंड का मिंट मार्क है वो भी कंफ्यूज करता है। इसका जो डायमंड का मिंट मार्क है 1983 का, इसमें क्या होता है ना, मतलब कोना होता है वो एकदम शार्पस में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो स्टार ही देखने को लगता है आप लोग को, जैसे 3 स्टार बना हुआ ऐसा, लेकिन 3 कोने वाला वो स्टार नहीं होता है। इसमें जो स्टार बना होता है वो थोड़ा अलग होता है, मुंबई मिंट का सिक्का इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। इसके लिए आप लोग उसको या तो फिर मतलब अच्छे से चेक करें या फिर जूम करके अच्छे से हमें फोटो सेंड करें, उसके बाद में उसकी
उसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। तो गाइज आप लोगों के पास में ऐसा सिक्का है और सेल करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जरूर कॉन्टेक्ट करें, लेकिन ये फोटो ध्यान से देख लें, 1983 स्टार मिंट मार्क, यही सिक्का वो है जो आपको लाखों में वैल्यू दे सकता है 2-3-5 साल के बाद में।